हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं शादियों वाला देगी मटन कोरमा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही डिलीशियस, यमी और टेस्टी सा बनता है, और अब मेरी तरह से बनाओगे तो बहुत ही सुपर, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। घर में हर कोई पूछेगा तो कि आपने बनाया है, आपने बनाया है, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट इसमें है। तो एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। गैस पे मैं कुकर रख चुकी हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों की तेल। और यहाँ पे मैं कट करके रख चुकी हूँ दो बड़े साइज की प्याज है, और इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेती हूँ मैं। और देखिए प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। और सारे प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। इसी स्टेप पे मुझे चाहिए। और यहाँ पे मैं 2-3 स्पून के करीब घी ऐड कर देती हूँ इसमें। मैं घी डाल चुकी हूँ और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ। 2 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग है, और कुछ स्टार फूल है, दालचीनी का टुकड़ा और जीरा जीरा है। इसी के साथ ही कुछ पत्ता भी डाल चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं 1 kg गोश्त ले रही हूँ और अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, और इसे भी ऐड कर देती हूँ। और इसे तो मैं करीब भून देती हूँ अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी के साथ तेज पका लेती हूँ मैं। और यहाँ पे आप डाल रही हूँ मैं अपने स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। और इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल चुकी हूँ इसमें। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर है, और आधा छोटा टीस्पून जायफल पाउडर है। इसे कर लेती हूँ। और थोड़ी इसे मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर चुकी हूँ, और इसे भी पका लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसे पका चुकी हूँ,
अब इसी चीज़ से अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दही। दही आपका नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा घी दही आपको नहीं यूज़ करना है। अब दही के साथ भी आपको 1 से 2 मिनट तक इसे पका लेना है। इसमें यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल चुकी हूँ मैं। और 1 से 2 मिनट तक इसे पका चुकी हूँ दही के साथ। और यहाँ पे मैं प्याज का दरदरा सा पेस्ट बना लिया था, वो भी ऐड कर देती हूँ। कलर और टेक्स्चर बहुत अच्छी आती है। सारे चीज़ों को अच्छे से मैं पका चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं 1 कप करीब पानी डाल देती हूँ इसमें। और इसे और हाई फ्लेम पे से 1 सीटी आने देती हूँ। और यहाँ पे मैं 10-12 काजू पानी में भिगो के रख लिया था, और उसका भी पेस्ट बना लेती हूँ मैं। और 2 सीटी लगाने के बाद हाई फ्लेम पर इसे मैं खोल चुकी हूँ। और ये मेरा देखिए अच्छे से गल चुका है कि। और अब मैं गैस की फ्लेम ऑन कर देती हूँ, और इसमें मैं ये काजू का पेस्ट में इसमें डाल देती हूँ। और इसे भी मैं 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेती हूँ, 2 मिनट के करीब। और इसी के साथ मैं यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। और देखिए काजू के साथ भी मैं 2 मिनट पका चुकी हूँ। और अब ये मेरा कोरमा बन के रेडी है। मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए, आपको कम चाहिए तो इसको ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मटन कोरमा बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी टेस्टी बना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा बना है मटन कोरमा। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।